चंद साल पहले ही आपने इस्लाम कबूल किया जब ये डिप्रेशन वाला फेज आया था आई थिंक वही शैतान आपको बड़ा इधर उधर बहकाता है भटकाता है और फिर एक पॉइंट पे आके मेरा फेथ लूज हो गया था पहली गाड़ी कौन सी ली आपने जब आप जाहिर है सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग्स पे आई नहीं अभी मैंने रिवो किया। हां 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 डाला क्या बात है डाला और एक अंदर इतनी <laughs> खूबसूरत लड़की और पीछे तीन चार वाले गार्ड नहीं, नहीं, नहीं है गार। तो <laughs> पाकिस्तानी एक्ट्रेस में क्रश कौन मेरी अम्मी भी मुझे बात कहती है की माशा उन्तीस साल की हो गई तो बेटा शादी नहीं करनी यार आप पहली है जिन्होंने ये सही बता दी यार, यार। रहा कि पॉलिटिशियंस में से आपके लिए कोई रिश्ता है मतलब बिलावल भुट्टो का रिश्ता आ गया

क्या हुआ so wow. <laughs> 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 ना गालिब का भांजा चल रहा हूँ मैं इस टाइम है कैसा काफिया मिला है मैंने nice, nice. खैरियत से है ठीक ठाक ड्रेसिंग बहुत अच्छी की थैंक यू सो मच आप बेहतरीन कुर्ती पहन के आई हैं मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है सब ठीक ठाक सेहत ठीक है आपकी बिल्कुल क्यूँकी कुछ मैं आपके इंटरव्यूज भी फॉलो किए तो आपने बताया कि 20 साल की उम्र में आप डिप्रेशन में चली गई थी जी। और आप इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि आपने अपना इलाज भी कराया जहनी मरीज और इस तरीके की कुछ तबीयत हो गई थी वो क्या था वो कैसे मुझे तो बिल्कुल आप बड़ी अच्छी लग रही हैं एक्यूरेट <laughs> कोई ऐसी जहनी मरीज वाली बात ही नहीं थैंक यू सो मच अच्छा आई नो जहनी मरीज होने का मतलब ये नहीं होता इलनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल पागल हो गए हो हमारे यहाँ आई थिंक किसी को कोई दिमागी मसला हो जाए तो लोगों को लगता है कि बस एक ही मसला है ये कि वो पागल है पागल हाँ, तो वो होता, हाँ, होता है ना कि आप अपनी बिल्कुल मतलब गफलत की हा, उसमें हालत में चले जाओगे सारे सेंसेस खो दो हाँ वट यू कॉल दैट बट ऐसा नहीं होता जिस तरह से आपके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं अगर वो आपके दिल में कोई मसला हो तो आपको गोलियाँ देते हैं आपको शुगर हो आपको गोलियाँ देते हैं आपके गुर्दे में कोई मसला हो गोलियाँ देते हैं इसी तरह अगर दिमाग में भी कोई मसला हो इट्स एन ऑर्गन इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी आप मेडिसिन लो आप हेल्प लो ट्रीटमेंट्स हैं अल्लाह तला ने हर बीमारी से पहले आई थिंक उसका इलाज निकाला है तो इलाज है आप करवाओ हुआ क्या था आम आए देखें विद मेंटल इल्नेसेस मेरे ख्याल से कभी भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है जितना मेरा तजुर्बा है और मेरी रिसर्च है हो सकता है आई एम रॉन्ग लेकिन कभी भी आपको uh, पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था आई um, थिंक कुछ नेचर के फैक्टर्स होते हैं कुछ नर्चरिंग फैक्टर्स होते हैं मतलब कुछ इन्वायरमेंटल होते हैं कुछ uh, तो आई थिंक मिक्सचर ऑफ बहुत था कुछ ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह के हालात चल रहे थे फिर आई थिंक मेरी शायद थोड़ी प्री डिस्पोजिशन भी थी जेनेटिकली तो कुछ इस तरह की बस हो गई थी आप निकलवाना चाह रहे हैं क्या हुआ था ऐसे नहीं पता है देखिए आवाम एक एक चीज़ जानना चाहती है माशाल्लाह आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं फॉलो करते हैं लोग एक एक चीज़ आपकी ज़िंदगी की जानना चाहते हैं तो हम उस एंड पे हैं कि हम आपको सवाल थ्रो कर लेते हैं अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल से क्या हुआ था uh, मैं बड़ा एक जनैरिक उसका आंसर दे देती हूँ uh, मुझे लगता है आजकल का जो दौर है ना उसमें आपकी उम्र से ज़्यादा आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं आपको एक्सपोजर इतना मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जाके ना आप आपकी मेंटल हेल्थ जो है मुझे लगता है आजकल हर कोई थोड़े बहुत मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है और कुछ लोग मेरी तरह थोड़े ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं तो वो बस कहीं पर जो है एक ऐसी चीज़ हो गई थी कि मैं नहीं हैंडल कर पाई थी एंड देन यू नो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एज से बड़े वाकियात हो रहे थे मेरे इर्द गिर्द

देखें हमारे दिन में सारे रेफरेंसेस हमें मिल जाते हैं कि ऐसे मोमेंट पे भी आपको हाँ। हाँ। के के मतलब, जगह हाँ। uh, you know, पे उनके बैटल्स चल रहे होते हैं और अल्लाह फिर वही बात हो गई ना कि कुरान मजीद में है कि यार आपको आपकी बर्दाश्त से ज्यादा मैं नहीं आजमाऊंगा तो आपको इस तरह गिव अप आई थिंक शैतान का जरिया होता है घुस के आपको बल्कि डिप्रेशन की आपने बात की तो मैं आपको एक बार बताऊं और ये सारी डिप्रेशन सी ही होती है ना चीजें खुद मर जाओ या दूसरों को मार दो जी, जी, जब जी. आप होपलेस जाते हो जब मुझे जिस टाइम पे डिप्रेशन थी ना मैं बड़ा रिसर्च करती थी सिम्टम्स पे और मुझे उस टाइम पे ये भी लगता था कि पता नहीं जादू हो गया है या नजर है या किसी ने कुछ कर दिया है आ ये भी जिन घुस गया है मुझ में या नहीं मुझे की चीजें हो गया कब्रिस्तान में कुछ गाड़ दिया या, 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 मैं तो बड़े रूहानी इलाज भी किया अपने कुछ एंड पे सिर्फ दवाई सही सही आप भी एक पाओ कला लेके बाबाओं के पास गई है हर चीज ट्राई के इट एनी वे सो मैंने जब रिसर्च की तो मैंने मैं पढ़ी थी कि जो नजर के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अगर आप डी एस एम फाइव में डिप्रेशन के सिम्टम्स और नजर के सिम्टम्स देखो ना वो बहुत सारे मैच करते हैं so, मतलब, कर नोट हाँ, भी किया है कि अगर आप अपना हिसार जिस तरह जब से मैंने ये प्रैक्टिस यू नो शुरू है कि मैं सुबह घर से हिसार बांध के निकलती हूँ चारों कुल आयतल से सो वो जो नजर काफी लोग नजर सेंसिटिव होते हैं मुझे देखिए

बेसिकली आप नज़र में भी आपको ऐसे लगता है कि आप जो हो बिल्कुल मतलब होपलेस हो रहे हो डिप्रेशन में जा रहे हो और इतना फिर उसके स्टेजेस जब क्रॉस हो जाते हैं तो एक पॉइंट पे आके शैतान आपको

एंड आई समाइम्स यू नो दिस इज वाट आई टेल माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन या अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन आई टेल दम के मेरे ऊपर ना लाइक like, अल्लाह तला का बहुत कर्म हुआ इस चीज़ को लेके कि अगर मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना मतलब जो एक अल्लाह का खौफ होता है और एक uh, uh, बिलीफ होता है जिसकी वजह से मुझे ये पता था कि इफ आई विल किल माई सेल्फ थ्रू स्यूसाइड देन यू नो मैं उधर ही लटकी रहूँगी और मुझे तब भी सुकून नहीं मिलेगा सो दैट सेव मी फ्रॉम सुनी हुई थी ये बात जो मैंने आपने। so, so इस बात की वजह से ना I कूडेंट डू वट आई वॉन्टेड टू डू इन माई मोमेंट्स ऑफ वर्मरेबिलिटी सो यू नो एंड पे भी मुझे मतलब उस फेथ में और उस यकीन ने ही बचाया ना तो मैं काफी दफा यू नो जब मैं बहुत अपसेट भी होती हूँ याडर तो मैं सोचती हूँ मतलब यू नो ब्लेसिंग इन डिस्गइज के मतलब ये जो डर भी अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला हुआ है ये ब्लेसिंग इन है कि मैं अपने आप को ऐसे मोमेंट्स में जो मेरे वीक मोमेंट्स थे जब मैं इलाज नहीं करा रही थी वडावर तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया सो यू नो इलाज किसकी तरफ साइकट्रिस्ट की साइकैट्रिस्ट करते हैं सो आई थिंक जितने जो लोग मतलब जो रिलीजन से थोड़ा दूर है उन लोगों के लिए फिर ये चीज बैटल करना मजीद डिफिकल्ट हो जाता है और वो वो लोग हैं मेरे ख्याल से जो यू नो दे गो दिस अस्तफरुल्ला मतलब एक जी ऐसा जी हो कि दे हैव टू दे मतलब टेक देयर लाइव्स या बिल्कुल सही बिल्कुल सही अच्छा माशाल्लाह दीन पे ही बात हो रही है ऐसा भी सुनने में मिला है ये आप कंफर्म कीजिएगा कि चंद साल पहले ये हाँ। आपने

इधर उधर बहकाता है भटकाता है आप होपलेस होते हो फिर आप अल्लाह ताला को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो चीजों को लेके आई थिंक आप एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हो तो आप कोई भी एक्ट कर रहे होते हो तो आप कह रहे हो तो इसका रिटर्न अब क्यों नहीं आ रहा आप एक डेस्परेट पोजीशन में होते हो तो फिर वो जो अल्लाह ताला ने तो हर चीज का एक सही वक्त रखा है ना hmm. तो जब वो नहीं आ रहा होता तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और फिर एक पॉइंट पे आके मेरा फेथ लूज हो गया था बट आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज बिफोर Um, this phase of mine, that I had, I had, दिस फेज ऑफ माइंड न्यूज मुस्लिम एंड आई जस्ट न्यू क्या अच्छा मैं पैदा हुई हूँ तो मुसलमान घर आने में तो मुझे बस अम्मी ने बोला नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है लेकिन मुझे पता नहीं होता था तो मैंने पढ़ना पढ़ क्या रही हूँ नमाज में अच्छा खुशू नहीं मिलता था सो so, एक... नहीं सो बेस आई नो आपने कॉल सुना हैजरत अली का या नहीं कि नेवर इनहेर योर रिलिजन लर्न इट तो मैंने तब सिर्फ इनहेरिट किया हुआ था मैंने लर्न नहीं किया हुआ उसके बाद मैंने लर्न किया सो वन आई लर्न ट now i know it a lot better and i enjoy it a lot more hmm, and my faith is a lot better you know so it was that yeah acha ma sha Allah ma sha Allah acha kya kya dramas chal rahe hain abhi और क्या क्या इन future plans um, हैं क्या अभी है? मेरे क्योंकि uh, मैंने आपके कुछ व्लॉग्स भी देखे मंडी yeah. में भी आप

तो, आज़। 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 तो, की आप तो जिनको इंडस्ट्री में मतलब, से कोई मिल जाते और पसंद आ जाते। जिस हालात में हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना आपस में पसीना गर्मी कोई पसंद नहीं आ सकता ओहो स्मेल पसीना और एक अजीब पसीने की स्मेल आ रही है ना बहुत बुरे लग रहे होते हैं साल गुजारना पड़ता है ना रोज एक दूसरे के करीब करीब सीन है

उसके अंदर फिट होते हैं कि एक बॉडी होनी चाहिए एक सर्टेन फेस कार्ड एक्टिंग स्किल्स भी हैं सभी बॉयज नहीं पसंद आपको थोड़े नहीं मैंने ये नहीं बोला कि कोई मैं अच्छा, बॉडी मैं 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 मैंने मैंने नहीं नहीं, नहीं नहीं मैंने मैंने मैंने, मैंने उस बॉडी शेम के उसमें नहीं बोला बट एक जो हीरो की जो एक वो बनाई भी है यू नो एक, एक

बट मुझेल जी और कुछ कुछ होता है और यही देख देख के उन्हीं को बड़ी हो गई अच्छा आप

तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा निकले ना निकले मुझे उससे नहीं होता आई गिवन माई परसेंट माई टीम देर हंड्रेड परसेंट एंड आई आई एन्जॉय तो एज कम्पेयर टू ड्रामा फिल्म की हैं है, मैंने सिर्फ एक गेस्ट uh, अपेयरेंस की थी रॉन्ग नंबर टू में

और वैसे एक लुक एंड फील वाइज भी हम लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं बट मेरे ख्याल से वही ना अभी इन प्रैक्टिस है उस तरह से हमें नहीं प्रिवलेज मिला हुआ आई थिंक थोड़ा इसके वाइज भी प्रोडक्शन वैल्यू वाइज भी ते या, ते या। तो नहीं शायद हो पाता बट मुझे मेरा फिल्म का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ बट मेहनत तो हर कोई करता है यार पूरी पूरी तो बिल्कुल सही है एफर्ट तो करता क्या एक कामयाब एक्टर होने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है नहीं आपको आपकी एक्टिंग स्किल्स होना है ना जरूरी है एक 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 है शुभ अख्तर साहब ये तो वो बात हो, हो गई कि अच्छा खोने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है नहीं 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 उसको खाना बनाना बोलते बनता अगर साहब की, की बात कोट करूं वो कहते हैं बाबर को लेके कि ब्रांड नहीं बनता अगर इंग्लिश नहीं आती लेकिन है हमारे सारे ब्रांड्स से कमर्शियल्स कर रहे हैं लेकिन वो फिर वो बाबर भी दोस्त हैं शुएब भाई भी दोस्त हैं लेकिन मैं उस सेंस से बात नहीं कर रहा लेकिन बाबर जो डट और ये वो जो इस तरीके से बोल जाते हैं I think तो वो शायद मेरे ख्याल से वो इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा अगर, अगर तो तो हाँ, सेकंड नहीं करती कि इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं कर पा, पाते होंगे क्योंकि एक language barrier आ जाता है या लेकिन अगर आप आप जाएं कभी for example, आप देखें कि वो लोग लो अपनी language को कितना ओन करते हैं कि उन्होंने अपने बिल तक हर चीज तक जो है जी, मतलब वो, अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश नहीं लैंग्वेज और पे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी मैं जब बात कर रहा था तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो थी। तो थी। और मुझे भी नहीं, नहीं आती थी दोनों को नहीं, नहीं, नहीं होना थी, होना थी। मैंने फिर सरेकी में बात की उनसे से। फिर बात तो मानी

क्या बात है क़दीमा का महकमे का काम सारे हाँ. कदीमा समझती है पुरानी चीजों को नया करना ये ब्यूटी सलोर वाले यही तो करते है बिचारियों पे दुल्हन तैयार कर दी और लड़कों वालों ने ओके कर दी अगले दिन गर्म पानी से मुंह घुटना अच्छा वो वो पानी का कसूर था की उम्र की यशमा ये है आप अक्सर हम वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाली बिल्कुल बदनुमा सी हूं बैठी हुई और थोड़ी देर पे काम हो रहा है और वो अच्छी लग रही है नहीं फिर वो शायद आपको मेकअप पसंद है है? शायद में मुझे अच्छा ये है कुछ लड़कियां मेकअप के बाद बुरी लगती हैं सादी अच्छी लगती है मेरी बेस्ट फ्रेंड है हफ्सा मैं बल्कि उसको बोलती भी हूँ बहुत वो मानती नहीं है उसको कोई चार साल बाद मैंने बगैर मेकअप के देखा था पहली दफा और मैंने वो रात को सोती भी है ना वो लिटरली टचअप करके सोएगी सुबह किसी नहीं। के उठने से पहले उससे पता नहीं क्या मसला है, मैं कहती हूँ यू नीड टू गेट यूर सेल्फ चेक सुबह उठने से हम, <laughs> हम कहीं जाएंगे ना ट्रिप पे हम मैंने बड़ी उसका ट्रिप्स की है तो सुबह उठने से पहले सबसे पहले बाथरूम में जाकर खुद अपना फुल फ्रेश फ्रेश होकर फिर शक्ल दिखाएगी तो मैंने उसको एक दिन बोला मैंने कहा यार तुम बहुत खूबसूरत लगती हो बगैर मेकअप तुम सिर्फ यकीन करो तुम्हें कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सो सम पीपल आर आई थिंक दे हैव अलॉट लाइक अलॉट मोर लाइकनेस

जिस तरह जब मैं छोटी थी तो आई रिमेंबर हम लोग बड़ा मेकअप करते थे बहुत फुल बेस और काजल और आई लाइनर का दौर था बट मेरी बहन अभी शीशवाणी तो उसके बिल्कुल नो मेकअप दौर है अभी जितना कम मेकअप उतना वो लोग अपने आप को क्लासी और यू you नो know, उस तरह से समझते हैं तो। अच्छा यशपा आप क्योंकि खुद लड़की हैं तो आपसे अगर मैं पूछूँ इस टाइम पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत चेहरा कौन सा है मतलब क्या है जो सबसे खूबसूरत लड़की है पाकिस्तान की जो आपको लगता है कि यार ये सारी लड़कियां बड़ी खूबसूरत है लेकिन मुझे मुझे मोमनाल अच्छा? मतलब लगती है मुझे मुझे प्यारी लगती है वो। जन्नत, लड़की है उसके बारे जन्नत बहुत प्यारी है? मैं ये एक हम ये आप बताना चाह रहे हैं आप बताना चाह रहे हैं कल हम बैठे हैं। ऑफिस में 8 10 बॉयज तो हम लोग बात कर रहे हैं यार पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की कौन है और सारे जन्नत पे होगा। तो देखें जन्नत के लिए जन्नत वाली हरकतें करनी पड़ेंगी जन्नत पे <laughs> के सारे दरोगा थे ये आ, हाँ, लेकिन ये लेकिन है। yeah, she's भी बहुत अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है लड़की <coughs> <coughs> मेकअप कम और लुक्स फेस तो नैन नक्श पे नहीं जाते हम हम अंदर की खूबसूरती अच्छा पाकिस्तान को छोड़ के अगर कोई और मुल्क में सेटल होना पड़े तो कहां सेटल कभी भी चारे? कहीं नहीं देख ले मैं कभी भी नहीं हूँ तो कुछ भी हो जाए living... अरे मैंने चार साल की ऑस्ट्रेलिया चार चार से और मैं उसके बाद एलिजिबल थी मुझे सिर्फ छह महीने रहना था मेरी अम्मी अबू ने मुझे इतनी सुनाई क्योंकि छह मिनट भी और नहीं रह सकती मैं कहीं नहीं रह सकती और अच्छा पाकिस्तान ने भी कराची समझ गया मुझे ऑस्ट्रेलिया में रक्षे के धुएं छोड़ने

हम नहीं छोड़ सकते यार कराची अगर चाहे कोई यहाँ से मूव भी हो रहा है ना तो ए, उसने कराची को सेकंड होम ही रखा हुआ है yeah. वो आता है दो तीन महीने बाद आता है और वो Mostly, yeah. ये है कराची के हालात आप कभी वगैरह कोई दो ऐसी दफा। दो दफा हुई दो दफा, है। नहीं। हाँ, दो, तीन दफा। गन में। दो स्नैचिंग दफा कुछ और हुआ कुछ और क्या हुआ यही मैं जहाँ पे रहती हूँ थी तो मैं उधर से शिफ्टिंग करके वापस आ रही थी एंड आई वाज टॉकिंग ऑन द फोन विद अ फ्रेंड के मैंने पता नहीं कुछ कुर्सी उठाने जाना था कहीं से इसी तरह घर में शिफ्ट करने के लिए मैं फोन पे थी सामने संडे था तो फेज एट में आपको पता है बाइकर बॉयज काफी आपस में रेसे वेसे करते हैं तो वो रेस मेरे सामने ही ना दो आपस में बेचारे लग के तो वो गिरे तो जब गिरे ना तो एक ना लाइक मुझे लिटरली लाइक नजर आया खून का फवारा जिस तरह ना लाइक निकला है किसी के सर से तो मैंने गाड़ी रोकी और मेरी पीछे दोस्त थी वो भी एक्ट्रेस हैं ईश्ल फयाज़ वो थी और मेरे साइड पे कौन मेरा लड़का दोस्त तो मैंने जल्दी में ना लाइक निकल रहे होते हो ऐसी सिचुएशन देख के तो मैंने पता नहीं फोन गाड़ी में आई थिंक साइड वाली सीट पर रख दिया और मैं निकली और मैंने बोला कि लाइक इनको गाड़ी में डाले मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ इस तरह तो वो उन्होंने जब गाड़ी में डाला काफ़ी सारा बहुत मोब था डाला अब मैं गाड़ी में डालने के बाद ना मैं अपना फोन ढूंढ रही कि मैं कॉल करूँ Uh, कि मतलब मैं इस तरह किसी को कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और एक्सीडेंट केस है कुछ उल्टा मेरे ऊपर ही ना आ तो फाइनली जब मैं उनको हॉस्पिटल ले गई तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो जिन्होंने गाड़ी में डाला उन्होंने मेरा फोन निकाल लिया नहीं पड़ी थी <laughs> वो भी चले गई तो फिर यार

तो मैं उसके पास कहीं पर शूट कर रही थी और मेरा नए ड्रामे का टीजर आया था तो मैं अपने दोस्त को दिखा रही थी और मैं कही थी यार देखा मैंने बुरगा पहना हुआ था मुझे भी याद है मैं इस तरह के सीन वही मंडी वाला तो नहीं पहना हुआ था नहीं जो आप मंडी नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन उसी टाइप का पहना हुआ था तो मैं वो उसको दोस्त को दिखा रही थी और हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो एकदम से एक शीशे पे बहुत जोर की डज तो मुझे लगा लाइक एक बम पड़ गया है ना हम लोग ऐसे इलाके में खड़े इतने जोर से आप वो होते हो ना डिस्ट्रैक्टेड थी मैं तो बस मुझे वो गन नजर आई और मैंने तो यूँ उड़ा के फ़ोन फेंक दिया मैंने कहा दे दो इसको और मेरा दोस्त जो था वो बेचारा थोड़ा हेजिटेंट था क्योंकि उसका पता नहीं उसका कोई केस चल रहा है बेचारे के ऊपर तो उसका फ़ोन जो है वो फॉरेंसिक के लिए जाता रहता है तो वो उसको ना अपना किस्सा सुना रहा है और मैं कह रही हूँ यार मतलब मैं ना उस टाइम पे गाड़ी में आंखें मेरी बंद है उसमें डरी हुई थी और मैं जगह ढूंढ रही हूँ कि मैं कहीं से मुझे दरवाज़ा खोलने की जगह मिल जाए मैं निकल जाऊँ ये इससे अपनी बाद में कर निकले उसने अपना कुछ नहीं दिया किसने क्या नहीं मतलब दिया? मेरे दोस्त ने नहीं दिया उसने कहा मेरा कोर्ट में फोन मेरा वो एक मिनट उसने भाग नहीं किया और फिर खैर वो जो भी मेरा बैग फोन लेके चला गया बैग भी बैग भी लेके गया कैश वगैरह सारी चीजें हाँ उस मैंने आसिम जोफा जी की शूट की थी और उसका कैश पड़ा हुआ था उसी दिन इतना पैसा ज्यादा नहीं था बट लाख दो लाख रुपए थे मतलब अराउंड दैट अरे ये ज्यादा पैसा मतलब यार यकीन करो यश नहीं करे आप करें। लेकिन मैं बता عوام को, no, no, like लेकिन, तो। लेकिन को ये जानना है ये भी जानना है कि के कितने पैसे चोरी हुए थे वो भी बताया तो बस, काफी मेरा नुकसान हुआ था मेरे फोन मेरे बैग में चार सी बात है वो तो नहीं देखे जाएगा ना मुझे आजकल सुना आईफोन सीरीज नहीं यूज कर रहे है मतलब ये छोड़ देते हैं ऐसे वाकयात मेरे मेरे टीम मेंबर्स के साथ हुआ है। आईफोन यूजर था उसने कहा आईफोन है क्योंकि वो आईफोन जो है वो आई थिंक मुझे बताया भी था कि वो ट्रेस हो सकता है लेकिन वो मैं इतनी जाहिल हूं माशाल्लाह से मुझे मेरे किसी चीज के पासवर्ड्स नहीं पता होते और वो चेंज ही होते रहते हैं अरे ये बिल्कुल मेरी तरह की हाँ, तो मैं टेक्नोलॉजी को लेके मैं बहुत डाउन हूँ मुझे ऐसे लगता है वो डीडी -डी कार्टून आता था ना, ना डेक्स रहा है डी -डी। मुझे मैं कहीं पे कोई जो सब काम खराब कर भी जाते हैं आप यकीन करें मुझसे मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ बोले मैं तबाह करके नहीं आई तो आप देखिए नहीं करें बहुत बड़ी अच्छा यशवर सुना है जब आप फील्ड में आई आपके वाले साहब नाराज हो गए

सो माई डैड इज़ कास्टिंग काउच असल में बहुत मशहूर है हमारी फील्ड से लेके मैं हमेशा एक बात कहता हूँ

ओके okay, सो so, थोड़ी सी ये डीप बात है और वो इस तरह से है कि जाहिर सी बात है जब uh, मैं आई थी वापस ऑस्ट्रेलिया से तो मैं बहुत ज़्यादा यूज टू थी बिकॉज मैं कहान पर अपना काम करती थी और मैं बड़े अच्छे पैसे कमाती थी और मैं वहाँ पे यहाँ से बहुत अच्छे कमाती थी वहाँ पे लेकिन फिर भी भी मैं कराची के लिए वापस आई मैं मार्केटिंग कर रही थी फॉर यूनिवर्सिटी कॉल्ड फीनेक्स तो मैं uh, जितने भी रेफ्यूजीज होते थे या जो हाउस रेस्ट पे लोग होते थे या मेंटली डिसेबल्ड होते दो थे दो चार हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो फिर उनको उनको ऑनलाइन कोर्सेज के लिए तकरीबन मैंने अंदाजा लगा लिया मुझे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए उनको साइन अप करना होता था और पर कोर्स हमें सिक्सटीन हंड्रेड डॉलर मिलते थे हाँ, और कितने कोर्सेज कर लेते? अच्छे आराम से रोज मतलब रोज के छह सात हो जाते थे जब भी आप फील्ड में जाओ जब भी आप फील्ड में जाओ

will it? You see, like, I was told papa helped me. And I didn't want to do that because, in my opinion, um, you know, I was a grown up who. Uh, इन फैक्ट आई मीन आई न्यू कि मैं कर सकती हूं सो वाई शुड आई बिकम अ बर्डन ऑन हिम तो वो मेरी ना एक अच्छा मेरी अल्लाह ताला से ना बड़ी बातें होती है नगोसिएशन तो मैंने जब मेरे पापा ने जब ये वाली चीज पे हुआ ना एतराज जब मुझे पहले एक टेलीफोन मॉफर हुई मुझे पता चला इतने पैसे मिल रहे हैं मैंने कहा अच्छा तो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया तो मैं सोचा मैंने माँ बाप की नाराजगी में जो है वो मतलब खुदा की बाप की नाराजगी में स्पेशली खुदा की नाराजगी होती है और मैं क्या करूँगी और इस तरह से सो आई डिड इस्तारा आई रिमेंबर एंड आई हैड लाइक अ एक्सचेंज ऑफ है विद अल्लाह ताला जिसमें ना लाइक बात बात में ही ना मुझे ना लाइक दिमाग में हुआ

देर आर टू ईवल्स राइट नाव एक कि मेरे अब्बू मुझसे नाराज़ होंगे अगर मैं ये काम करूँगी और दूसरा कि अगर मैं ये काम नहीं करती तो उनको मेरे लिए मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी जिंदगी में टू प्रोवाइड मी अ बेटर लाइफ राइट सो वॉट इज़ मोर हर्टफुल फॉर मी एंड वाट इज़ मोर ईवल फॉर मी तो जब मैंने वो बैलेंस आउट किया ना मुझे ऐसा लगा कि टू सी माई फादर स्ट्रगलिंग फॉर मी वुड बी अलॉट मोर यू नो हैवी ऑन माई चेस्ट देन टू सी हिज नाराजगी जो मुझे पता था कुछ अरसे की होगी बिकॉज एक वक्त पे आके उनको समझ आ जाएगा एंड आई हैल्फ कि मतलब आई विल नॉट यू नो मतलब मैं उनका सर नहीं झुकाऊंगी या कुछ ऐसा नहीं होगा सो so अभी रिसेंटली जब हम उमरा पे गए मैं अपने अबू को उमरा पे ले गई माशा अपने को अपनी बहन को तो उनकी नाराजगी खैर वो जो डेढ़ साल रही जो भी फिर एक दिन मैंने उनको सलाम किया तो, तो मैंने कहा बिल्कुल, ला हो गई थी बिल्कुल साल। तो एक दिन मैंने उनको मैं, आ, सलाम किया तो मैंने कहा पापा मुसलमान पे फर्ज सलाम का जवाब देना तो कहते हैं वालेकूम तो उस दिन के बाद ना मेरा हज से हमारी बात हो गई बट एक्चुअल जो हमारा आइस ब्रेक हुआ वो उमरा पे जाके हुआ बिकॉज आई रिमेंबर हम अपने चाचू के लिए डेट्स ढूंढ रहे थे और जिस हम लोग शॉप में गए वो मेरा फैन निकला और उन्होंने हमें बहुत सारी डेट्स जो है ना अजवा जो हजूर <laughs> पता नहीं वो जन्नत का जी जी. आ, वो है आई थिंक कुछ तो वो उन्होंने हमें बहुत सारी फ्री में दे दी ना तो मेरे अबू ने बोला अच्छा इतनी इज्जत मिल रही है फिर उसके बाद आ, हम लोगों को ना हम लोग मक्का में जिस होटल में रह रहे थे वहाँ पे हमें रोज़ सहरी आ रही थी मेरे बुरा कोई फैन सहरी भेज दे फ्री में फिर हमें अफ्तार कोई इस तरह भेज दे तो मेरे इतने मुझे गिफ्ट मिले जाय नमाज से मुझे गिलाफ़ काबा मिला एज अ गिफ्ट सो यू नो

ऐसा कोई मसला नहीं बट <laughs> ये है कि आई डोंट नो आई थिंक किस तरीके का लड़का आप चाह रही हैं पैसे वाला और रिच हो नहीं um, मतलब I have been I have been asked this question पहले और मैंने हमेशा यही जवाब दिया है कि he needs to be a good human being because जब आप इंसान होते हो तो बाकी सारी चीजें नहीं असल में मैंने एक बात बोली थी कि um, आजकल के माशरे में uh, मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब समझी जाती है कि भाई कंगला है ना तो वो जितना भी उसके लुक्स अच्छे हो ना बुरा ही लगता है आप काम करो कुछ कमाओ अच्छा आई डोंट वांट टू टेक नेम्स लेकिन अगर आप हमारे आसपास एग्जांपल्स देखें तो हमारे काफी करीब में ही काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे लड़कियां अपने हस्बैंड से कई ज्यादा सक्सेसफुल है दिल्कुल? लेकिन उन्होंने की भी हैं और बड़ी लव मैरिजज की भी हैं फील्ड में फील्ड में आप अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी हो सकता है, है में हो मैं वैसे भी आ, भी भी अदरवाइज बात कर रही आउटसाइड फील्ड तो मुझे ये बात नहीं सही लगती लड़कियों के बारे में कि लड़कियाँ गोल्डिगर्स होती हैं या ऐसा मेरे नहीं ख्याल से जिसपे आ जाए फिर एक मशहूर है ये बात की लड़का कमाता है तो लड़की को देता है लाके लड़की कमाती है तो लड़की बोलती है मुझे लड़के की जरूरत ही नहीं है एक ये एक स नहीं, okay, मेरे, मेरे तो नहीं होती ठीक है और वो फिर अपने लिए स्टैंड ले सकती है वो अपने लिए खड़े हो सकती है अपने लिए, अपने लिए अपने घर पे बोल सकती है कि यार मैं आप लोगों पे बोझ नहीं हूँ मैं किसी भी एरे गहरे से नहीं कर लूंगी या अगर वो किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में होती है तो वहां पे अपनी लिए स्टैंड ले सकती है क्योंकि उसको पता है वो अपना ख्याल रख सकती है अपने उनको अच्छा मर्द एक, एक so so uh, की जरूरत नहीं है कम्पेनियनशिप की जरूरत सबको है बिल्कुल है और <laughs> सही है ठीक है आ, हजरत आदम और हवा को साथ ताला ने तो ये तो एक नेचुरल बात है ना कि कम्पेनियनशिप की जरूरत हम सबको है बट कम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए

गलत एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे अस्तफ़िर उल्ला लेकिन जिस तरह यू नो ड्रग्स होते हैं ना ठीक है न, हर ड्रग की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है सही है जब आप कोई एसिड कर्ज आई स्टडीड साइकोलॉजी सो आई नो दिस नो देफ़िर बट आई एम टेलिंग यू कि हर ड्रग की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है और एक कोई उनमें से ऐसा ड्रग होता है जो बहुत एक आपके हर किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर हिला देगा तो उसके बाद आपको बाकी सारे ड्रग्स हल्के लगना शुरू हो जाते हैं सो इसी तरह यू डू फॉलो एंड लव मोर देन वास्स बट कोई एक प्यार होता है जो कोई बड़ा ऐसा एक हैवी किस्म का होता है कि उसके बाद यू विल फॉल इन लव मो अगेन एंड अगेन बट वो आपको याद रह जाएगा cuz उसकी इंटेंसिटी उसका हाई बहुत ज्यादा था यू अंडरस्टैंड सो आई एक्सप्लेन इट लाइक दैट नहीं लुक्स मैटर करते हैं आपकी अगर बंदा बहुत आ, आ, अच्छी <laughs> आदत का है और है बड़ा कूड़ा साला मतलब अल्लाह माफ करे तवे से शर्त लगा के पैदा हुआ हुआ है नहीं तो फिर अभी आपने खोती कोई एग्जाम्पल दी थी ना जब खोते पे दिल आ जाए खोती पे दिल आ जाए तो परी क्या चीज़ है आप गलत जगह पे घूम रहे हैं आप गलत लोगों में घूम रहे हैं मतलब आप ये कह रही है कि मेरा दिल किसी पे भी आया फिर मैं लुक्स नहीं देखूंगी मैंने आपको बोला मैं कुछ भी नहीं देखूंगी जब आज तो रीजन नहीं होना चाहिए ना

आपके सुखों को अपना सुख तो इस तरीके का मिले आपको हुँ, हुँ, हुँ. अच्छा ये ये भी एक बात इसमें ऐड कर दें कि शादी के इम्पोर्टेंस में मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको प्यार करें या आप किसी को प्यार करें क्या इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई चाहने वाला मिले अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स आई इफ दिस गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन और नॉट बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें नहीं uh, um, यू you नो know, एक फार्मेलिटी होती है ना कि मैं इसका पार्टनर हूँ या मैं इसकी पार्टनर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छा ये बीमार है या ये बीमार है तो मुझे इसका ख्याल रखना है इट शुड बी मोर लाइक कि यार इसको तकलीफ़ हो रही है मुझे तकलीफ़ हो रही है आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज मुझे भी इसकी तकलीफ में तकलीफ़ हो रही है नॉट बिकॉज ठीक है दैट्स ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ समबडी अपनी जगह पर कि um, वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको आउट ऑफ फॉर्मेलिटी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता अपने पार्टनर्स का वो भी अपनी जगह एक बड़ी अच्छी बात है कि यू नो आप आउट ऑफ भी किसी के लिए कर लो लेकिन अगर आप मेरा क्राइटेरिया पूछ रहे हो सो दैट इज आई नीड टू सी सीट इज नो इट्स नॉट जस्ट देयर बिकॉज आर इन रिलेशनशिप या बस अब हो गया है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फॉर्मेलिटी है अच्छा फैंस की तरफ भी आते हैं जो हम निकलते हैं तो लोग मिलते हैं भाई आइए आइए हाथ भी डाल ले रहे हैं हम लोग तो चले बी मैन बर्दाश्त कर जाते हैं क्योंकि आप लड़की हैं और आप हैं तो आपको जो मर्द हजरात मिलते हैं सेल्फी करीब आते है, तो आप क्या लेती हैं तस्वीरें या नहीं मैं लेती ले वैसे लेकिन कोई इतना इस तरह से करीब करीब इतना से कभी कोई आया नहीं कोशिश करती हूँ इस्लाबाद में एक मॉल में शूट कर रहे थे तो काफी रश लग गया तो वो जो मॉल के जो um, uh, डायरेक्टर थे पता नहीं वो मेरे पास उन्होंने बोला कि मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगी है कि आपने किसी फैन को नाराज नहीं करती लाइक एंड like, पे बहुत ज्यादा लोग हो गए थे तो मैंने कहा चलो एक ग्रुप पिक्चर कर लेते हैं आप सब लोग आपस में शेयर कर लेना यू नो बट लाइक आई डेंट से बिकॉज यू शुडेंट लेकिन इसकी दो तीन बातों के रुख है

मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिल के likewise, likewise. और आपसे बात करके आ, आज कल क्योंकि मैं नब्बे के करीब नाइन्टी पॉडकास्ट कर चुका हूँ हर तरीके की सेलिब्रिटीज़ आई हैं हर तरीके का अच्छा ये नशों पे मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस पर भी खोलें ये, ये हमारी फील्ड में कुछ ज़्यादा रुझान आ गया है अलग अलग किस्म के ड्रग्स लेने का फील्ड का मुझे नहीं पता बट आई थिंक ओवरऑल हमारी जो यूथ है यू नो आई डोंट नो कि इसमें कैं पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल ही इिटरेट हूँ और मुल्क कैसे चलते हैं उसमें बड़ी इलिटरेट हूँ तो आई थिंक जो लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हो जाती है चीज़ बिकॉज पता है आपका अगर दिमाग सही नहीं होना आपका जिसम का कोई भी और हिस्सा सही होना इज नॉट वर्थ है यू नो सो ये लाइक यूथ इज़ आर जनरेशन इट हैन आवर कंट्री कल को यू नो मतलब तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों किसी तरीके से जो है मतलब इसकी सजा ना मतलब सजाए मौत होनी चाहिए जो कर जो करवाते हैं जो कर बेचारे करते हैं वो तो वालरेबल उनको ऑफकोर्स उनके ऊपर भी कोई पेनल्टीज होनी चाहिए कि एक <coughs> फेयर पैदा हो नहीं करने का लेकिन छोटे दिमाग होते हैं कच्चे दिमाग होते हैं बातों में आ जाते हैं दस चीज़ें होती हैं इतनी लड़कियों को मैं जानती हूँ छोटी जो मैं देखती हूँ इधर उधर बातें कर रही होती हैं कभी पूछती हूँ कि यार क्यों तो देर लाइक ओ यू नो इससे वेट लूज़ होता है तो वेट लूज़ करने के लिए हम कर रहे हैं सो सीनों के इतने गलत कॉन्सेप्ट्स बने हुए उनको पता ही नहीं है कि आई थिंक हमारे हाँ सबसे मेन बात आई थिंक हमारे स्कूल्स के अंदर हमारे आ, एक बच शुरू से जब बच्चे को बड़े कर रहे होते हैं और बाकी और चीज़ें सिखा रहे होते हैं आई थिंक कोई ऐसा भी सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स बताया जाए कि वो किस तरह से आपके जिसम को आपकी जहनी तोज़ुन को आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं ताकि बचपन से जब एजुकेशन होगी ना तो बड़े हो अगर अभी पचास लोग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से चालीस नहीं करेंगे कम होगा होगा क्योंकि उनके दिमाग में एक फ़ियर ना यार हमारे आपके अच्छा, जी जी में, जी में जी। आप लिए कोई रिश्ता है मतलब बिलावल भुट्टो का रिश्ता आ गया और शेख रशीद भी गवरे चल रहे है मतलब तो आपने कहा है किसकी तरफ जाएंगी बिलावल भुट्टो शेख रशीद और इमरान खान को भी डाले इस्लाम में तो चार जायज है ना तो इनमें से किसको आप हाँ करेंगे इस्लाम में ये भी जायज है कि मैं अपना बता सकती जायजा तो की तो तो को तो मुझे मुझे को कोई अच्छा है या बुरा है मुझे वैसी पॉलिटिशियंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अच्छा बिलावल भुट्टो का रिश्ता मना कर दिया आपने यार मतलब क्यों मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्यूँ नहीं असल में बड़ी बात है कौन गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस तरह से लेकिन आपने मुझे शादी के लिए पूछा तो मुझे, हा, नहीं। हा, तो so feeling नहीं आती मुझे उनको देख के जो मैं इतने देर से बता रही हूँ शो में तो अच्छा फीलिंग भाई बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि आप जो भी करें आप उसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बने और वालिद साहब अगर आप सुन रहे हैं तो मैं ये बात उनको बोलूँगा कि भाई ए, बहुत ज़बरदस्त आपकी आपकी सोच है और आप जो जो काम कर रही हैं आप बड़ा उसमें अपनी लिमिटेशन और सारी चीज़ों को आपको आपको पता है कि मेरी क्या लिमिटेशन है ये बहुत अच्छी बात है अंकल ये हर किसी में <laughs> होती नहीं है और आप शादी करें बुलाइएगा बुलाइएगा हम भी आएंगे शादी में और बेस्ट विशेष थैंक यू थैंक यू और इसके बाद तीनों हजरा यशमा गिल आई हमारे पॉडकास्ट में और चार चांद लगा दिया हमारे पॉडकास्ट खूबसूरत बना दिया हमारी पॉडकास्ट को और मैं तो खैर इनकी बातों में खोया हुआ था मुझे याद नहीं है पॉडकास्ट क्या हुई है लेकिन आप लोग सुनिएगा और आप लोग बताइएगा पॉडकास्ट को यहीं ब्रेक लगाएंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और यशपाल गिल को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफि